सो आई गैस वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल आर्किटेक्ट। सिविल आर्किटेक्ट में सभी लोगों का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी कॉलेज दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपनी कॉलेज में यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो सीन ये है कि हमें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था, तो अभी ब्रेक का टाइम है, सारे स्टूडेंट्स बाहर गए लंच के लिए, और मैं यहाँ पर घर से ही लंच करके आया था। तो अपनी कॉलेज में एक जगह पर बाइक पार्क करके बैठा था, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कैमरा है तो चलो आज व्लॉग क्रिएट कर ही लेता हूँ, क्योंकि लास्ट कई टाइम से मैंने व्लॉग नहीं क्रिएट किया था, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि देखो बाइक में यहाँ पर पार्क कर दूँगा, एंड बाइक पार्क करके चल के मैं अपनी कॉलेज दिखाऊँगा कि मेरी कॉलेज में किस तरीके का डिपार्टमेंट है और क्या क्या है सब कुछ, ठीक है। तो देखो बाइक को यहाँ पर मैं साइड में लगा देता हूँ, एंड तो ठीक है बाइक को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि हमारा ठीक है सिविल डिपार्टमेंट। तो जो भी सिविल वाले मेरी मतलब जो ये वीडियो देख रहे हैं वो देख लो भाई सिविल डिपार्टमेंट कैसा है मेरी कॉलेज का। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, जनरली हमें यहाँ पर तो आना नहीं होता, हमारी क्लास लगती है कोई मतलब सिरामिक बिल्डिंग में लगती है, या फिर कुछ कुछ बार तो न्यू कैंपस में भी लग जाती है। तो अब देखो सिविल है ना, ये हमारी कॉलेज का सबसे लास्ट का पार्ट है, पूरे कैंपस का जो ओल्ड कैंपस है उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट है। एंड उसके बाजू में यहाँ पर बैडमिंटन हॉल है, आपको देखकर मतलब आप बोलेंगे कि ये क्या है, सारी विंडो टूटी हुई है, हाँ मतलब कोई आकर तोड़ जाता है यहाँ पर चलता है। तो चलो ये विंडो ओपन है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी कॉलेज का बैडमिंटन हॉल है, बहुत ही बढ़िया है। वुडन कोर्ट है यार, मतलब इसको अगर अच्छे से संभाल कर फिर से रिक्रिएट किया जाए तो बहुत बढ़िया कोर्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट को खेलने नहीं देते, या फिर बात करूँ तो स्टूडेंट खेलने भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मेंटेन नहीं रखी हुई है, अगर इसको अच्छे से मेंटेन की जाए तो बहुत ही बढ़िया कोर्ट है यार। अब ये देखो ये जो कोर्ट की गली है उसके आगे ही सिविल डिपार्टमेंट है, एंड इसके आगे आप चलोगे तो थोड़ा बहुत ये जंगल आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया कैंपस है यहाँ पर, मतलब आपको इंसान तो कम ही मिलेंगे, इंसान से ज़्यादा जानवर यहाँ पर हमारी कॉलेज में मिलेंगे आपको। और ये साइड वाला जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग पूरा का पूरा अभी तो क्लोज है, क्लोज मतलब कई सालों से इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि पहले हमारी कॉलेज में क्या था, डिप्लोमा हुआ करता था, तो जो डिप्लोमा के क्लासेस थे वो इस बिल्डिंग में लगते थे, फिर उसके डिप्लोमा के बाद ये वाला बिल्डिंग बंद कर दिया गया। अब आपको मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर भी विंडो ओपन है, तो मैं विंडो में से दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारी बैडमिंटन कोर्ट भी बंद है, वैसे ही बैडमिंटन कोर्ट बंद तो नहीं थी, मैं जब फर्स्ट सेम में था तब हम लोग आते थे, कई बार आते थे। अब ये जो स्विमिंग पूल है वो तो कई सालों से बंद कर दिया गया है, क्लोज है पूरी तरह से। तो आपको यहाँ पर विंडो में चढ़ के दिखा देता हूँ। तो देखो भाई मैं यहाँ पर विंडो में चढ़ गया हूँ, एंड ये हमारा देखो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल है, कुछ इस तरीके से। यहाँ से मेरा हाथ तो नहीं जाएगा क्योंकि विंडो इस तरीके से है ना, देखो आपको शायद स्टेयर दिख रहा होगा, मतलब बहुत ही गहरा है, बहुत ही डीप है, देखो। तो कुछ ऊपर इस तरीके से पूरा का पूरा वुडन का है, ये भी जैसा बैडमिंटन कोर्ट है वैसा ही ये वुडन का है। देखो यहाँ पर मेरा हाथ नहीं जा रहा है विंडो के अंदर, सो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हमारा स्विमिंग पूल हो गया, वो भी बंद है। तो चलो अब आगे चलता हूँ, एंड आगे हम देखो स्विमिंग पूल का लुक कैसा आ रहा है फ्रंट से। भाई इसकी एलिवेशन तो बहुत ही ख़तरनाक है, और ये बिल्डिंग मतलब कम से कम 50 साल पुरानी तो होगी, देखो बहुत ही मतलब एकदम हॉरर टाइप फीलिंग आ रही है ना। तो स्विमिंग पूल क्लोज हो गया, एंड अब आगे देख लेते हैं।
मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी कॉलेज का पूरा व्लॉग बनाऊँ ना, अगर इस तरीके से चल के निकलूँगा तो पता नहीं व्लॉग मेरा 2-3 घंटे का एक मूवी ही बन जाएगा। तो अभी जितना भी मैं आपको दिखा सकता हूँ उतना दिखा देता हूँ। देखो फिर जो मैंने कहा था ना, जब डिप्लोमा कॉलेज हुआ करती थी तो वो ये जो दो बिल्डिंग है, ये फर्स्ट बिल्डिंग है ना सेकंड बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग अभी बंद है। जब देखो ये इसका फ्रंट बिल्डिंग है, अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट है एंड जिसे अभी क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पर किसी की क्लास नहीं लगती। हम जब फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में थे तब यहाँ पर क्लास लगती थी। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बड़ा वेल दिखा देता हूँ। देखो पानी दिख रहा है आपको, वाओ ग्रीन कलर का यार, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर वेल दिखेगा ही नहीं। देखो अगर कोई सीधा सा चलता जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक कुआं है। क्या तो अभी इस बिल्डिंग से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रोड टू रोड नहीं चल रहा हूँ, बीच में से जा रहा हूँ। सच में यार, मतलब एक बार तो मेरी कॉलेज, हाँ कॉलेज में कुछ खास है नहीं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई के नाम पर, इंजीनियरिंग के नाम पर सब कुछ मतलब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है देखो यहाँ पर कई सारे मोर पंख पड़े हैं। और ये बिल्डिंग देखो ये भी मतलब क्लोज ही है, इसको भी नहीं ओपन करते। तो हमारी बिल्डिंग में जितने बिल्डिंग्स अभी ओपन है उससे ज़्यादा तो क्लोज कर दिए गए ज़्यादा है। ठीक है तो आपको NXE 1 वहाँ पर दिखाऊँगा, वो बिल्डिंग भी क्लोज है। देखो मेरा सबसे फेवरेट यहाँ पर जो प्लेस है ना, तो एक तो ये गजेबो, मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। एक ये गजेबो है और दूसरा एक है ना ये वाला। यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब आज सैटरडे है तो कोई स्टूडेंट आया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सबकी तो सैटरडे के दिन मतलब कोई आता नहीं है कॉलेज पर, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो हम फाइनल ईयर वाले बस कुछ स्टूडेंट थे तो वो यहाँ पर मतलब बैठते आकर। ठीक है और मैं आपको यहाँ पर मेरा सबसे पसंदीदा फेवरेट जो बिल्डिंग्स है वो दिखाता हूँ, जो है हमारी कॉलेज की शान। देखो भाई इसके जैसा बिल्डिंग नहीं बनेगा। देखो मैंने बोला था ना स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर कुछ अपना काम वाम वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर सामने ये बैठने के लिए जगह है और इसके सामने आप यहाँ पर इसका व्यू देखो, है ना बहुत ही बढ़िया व्यू। देखो जहाँ तक मुझे पता है साल 2014-15 में ये बिल्डिंग पूरी तरीके से स्टूडेंट के लिए ओपन था, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट की क्लासें लगती थी, प्रोफेसर लेक्चर लेने आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब जब ये मतलब टाइम बीतता गया, इमारत पुरानी होती चली गई एंड इस बिल्डिंग को क्लोज करना पड़ा। ठीक है एंड अभी ये जो NXE 1 है ये भी क्लोज है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तभी ये बिल्डिंग यूज़ में हुआ करती थी। ठीक है बाकी तो इसे भी क्लोज कर दिया गया है। आप बोलोगे कि हम जब फर्स्ट ईयर में थे तभी सारी कॉलेज ओपन थी क्या, नहीं लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे टाइम बीतता जा रहा है यहाँ पर सारे मतलब जो बिल्डिंग्स है उसे क्लोज कर दिए जाते हैं। देखो तो अब मैं आपको एक बहुत ही मस्त जगह दिखाता हूँ। ये है ओपन थिएटर हमारी कॉलेज का, कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो यहाँ पर करते हैं, लेकिन इसको भी यूज़ में नहीं लेते हैं ज़्यादा, तो ये भी क्लोज है। हमारे कॉलेज की सबसे बेस्ट मेमोरी अगर मैं शेयर करूँ तो वो ये है कि देखो आपको ये पहली वाली नहीं, ये दूसरी वाली जो यहाँ पर एक जाली दिखेगी, गेट दिखेगा, देखो जूम करके दिखाता हूँ।
तो ये जो दूसरी वाली जाली है इसके पीछे हमारा क्लास था। तो ये जो क्लास है वो यहाँ पर सीधा ग्राउंड में ही पढ़ता था। तो हम क्या करते थे, जब कोई फ्री लेक्चर हुआ करता था या फिर लेक्चर के बीच में कोई जगह मतलब मिली, कोई टाइम मिला, तो हम सीधा यहाँ पर ग्राउंड में आ जाते थे और बैग से कुछ कुछ ना कुछ मतलब खेलने का सामान निकाल लेते थे। बॉल और बैट तो हमेशा हमारे पास रहता था। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़ोरों से क्रिकेट खेला यार, मज़ा ही आ जाता था। तो अभी तो मतलब ऐसा है कि स्टूडेंट भी आज कोई है नहीं, वरना स्टूडेंट होते तो क्या है, इस जगह पर आके कुछ ना कुछ असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करते थे। तो बैठने के लिए अच्छी जगह थी और एकदम यहाँ पर शांत है। मेरे अलावा मुझे लगता है कि अभी कैंपस में कोई बचा ही नहीं है। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब कोई भी कोई दिख ही नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से अभी लोग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस व्लॉग को फिनिश करता हूँ। क्योंकि देखो पूरी कॉलेज की तो अगर मैं चल के वीडियो उतार वीडियो बनाने जाऊँगा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि दो तीन पार्ट में अपनी कॉलेज को डिवाइड करना पड़ेगा एंड एक वीडियो बनानी होगी कॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो अभी तो मैंने कॉलेज का कुछ हिस्सा, आप बोल सकते हो कि ओनली 30% हिस्सा ही मैंने कवर किया है। अभी 70% हिस्सा बाकी है कॉलेज का, वो भी किसी ना किसी नेक्स्ट व्लॉग में बनाएंगे। ओके, तो अगर टाइम मिला, टाइम तो मिलेगा ही क्योंकि अभी हमने प्रेजेंटेशन के लिए आए थे, अभी 2 या 3 वीक के बाद फिर से आना है प्रेजेंटेशन के लिए। तो फिर से मैं आपको एक बार मैग्निफिसेंट व्यू दिखा देता हूँ यार, इस व्यू से तो हमारा दिन बनता था। है ना, बहुत ही बढ़िया कॉलेज। तो चलो किसी दिन मैं ट्राई करूँगा इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, ठीक है, वो सभी आपको दिखाऊँगा, लेकिन वो आज के व्लॉग में नहीं, कुछ दिन बाद। तो बहुत ही दिनों बाद में ये व्लॉग लेकर आया हूँ। आई होप कि व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।